आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। इसका मीनिंग क्या है कमेंट में लिख के बताइएगा। शुरू करते हैं। 2016 में एसएससी सीजीएल में पूछे गए साइंस के कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को अगर हमें कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में तो हम किससे कनेक्ट करेंगे उसको? तो इसका आंसर है दूसरा वाला, इसको हम जोड़ेंगे हाई रेजिस्टेंस सीरीज में। क्वेश्चन नंबर टू, बी स्टिंग कंटेंट्स, बी यानी मधुमक्खी को हम बोल सकते हैं, उसके डंक में क्या होता है? तो सिंपल सी बात, उसके डंक में एक अम्लीय तरल होता है। उसके अलावा अगर बात करेंगे वाष्प में, तो वाष्प जो कि उसी की तरह होता है, वाष्प के डंक में अल्कलाइन यानी क्षारीय तरल होता है। मैंने इमेज भी दिया है वाष्प का, आप इसको देख सकते हैं वाष्प कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, सूर्य की जो आउटर मोस्ट लेयर है क्या कहते हैं उसको? उसे कहते हैं हम कोरोना, दिस इज कोरोना। ऐसी कौन सी लेयर है सूर्य की जो हम देख पाते हैं? आप इसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन यानी सबसे अधिक मात्रा में इनमें से किसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा एंथ्रासाइट। ये चारों कोयले के ही रूप हैं। सबसे घटिया कोयला पीट होता है, उसके बाद फिर लिग्नाइट आता है, उसके बाद बिटुमिनस और लास्ट में एंथ्रासाइट। हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा कोयला कौन सा पाया जाता है? तो वो बिटुमिनस एंड लिग्नाइट होता है। और हमारे देश में किस स्टेट में? केवल एक ही स्टेट ऐसा है जहाँ पे एंथ्रासाइट होता है, वो कौन सा है कमेंट में लिख के बताइएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की, जाइलम। सबको पता है कि जाइलम जो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करने के लिए ब्लड वेसल्स होती हैं, उसी प्रकार प्लांट के अंदर क्या होते हैं? वैस्कुलर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ प्लांट। तो करते क्या है ये जाइलम, ये प्लांट के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आप देख भी रहे हैं किस तरीके से जाइलम होते हैं, ये जाइलम वेसल्स होती हैं, दिस इज लेग्निन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसका ऊपरी भाग है येलो वाला, ये फ्लोएम होता है, और जो भाग अंदर वाला होता है वो जाइलम होता है। अगर हम बात करें इनमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो क्राउन गॉल डिजीज करता है प्लांट के अंदर, देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज क्राउन गॉल डिजीज। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के द्वारा होता है। करता क्या है ये, प्लांट की रूट को ये स्वेल कर देता है, यानी इसके होने से प्लांट की रूट सूज जाती है और काफ़ी अस्त व्यस्त तरीके से ग्रो करती है। तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है इसका क्या क्या किस तरीके से फैलता है। क्राउन गॉल डिजीज प्लांट के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस कॉज करता है, जो कि एक राइजोबियम रेडियोबैक्टर होता है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ग्रेप्स आते हैं, मेम्बर्स ऑफ रोज फैमिली रोजेसी, इसके अंतर्गत नट ट्रीज आते हैं, सिरप्स आते हैं, वाइन्स आती हैं, और सदाबहार गार्डन प्लांट्स भी आते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे, राउंडिस रफ सरफेस गाल यानी सूजा हुआ ट्यूमर टाइप का उसमें ग्रोथ होती है रूट्स के अंदर। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, ये कह रहा है कि स्टेशियन ट्यूब इज लोकेटेड कहाँ पे होती है बॉडी में? तो ये हमारे ईयर में होती है। आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे इमेज के अंदर, ये हमारे ईयर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मिडल ईयर होता है, और उसके जस्ट आगे जाएंगे तो हमको बोनी पोर्शन मिलेगा, उसके बाद में कार्टिलिजिनस पोर्शन, उसके बाद फिर नेजोफेरिंग्स, और नेजोफेरिंग्स के बीच में जो छोटा सा पोर्शन है उसको बोलते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। दोस्तों कौन सी ऐसी हड्डी है जो बहुत छोटी है और कहाँ पाई जाती है, आप कमेंट में लिख के बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट में, हमारे ब्रेन का कौन सा ऐसा भाग है जो मोटर कंट्रोल में हेल्प करता है, यानी जो नर्व कंट्रोल में हेल्प करता है? तो वो है सेरिबेलम।
देखिए सेरिबेलम इज द रीजन ऑफ ब्रेन दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मोटर कंट्रोल. इट मे ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन सम कॉग्निटिव फंक्शन सच एज अटेंशन एंड लैंग्वेज एंड इन रेगुलेटिंग फियर एंड प्रेशर रिस्पॉन्स. बट इट्स मूवमेंट रिलेटेड फंक्शंस आर द मोस्ट सर्डली स्टेब्लिश्ड. तो ये कुछ फंक्शंस करता है सेरिबेलम. हमारे ब्रेन में कौन सा ऐसा भाग है जिसे कहते हैं लिटिल ब्रेन, छोटा ब्रेन, तो आप कमेंट कर सकते हैं. दोस्तों हमारे ब्रेन में ऐसा कौन सा भाग है जो इमोशंस को कंट्रोल करता है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड के जितने भी होते हैं सिक्रेशंस उनके ऊपर कंट्रोलिंग करता है, आप कमेंट में लिख के बताइएगा. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की. तो क्वेश्चन 9 कहता है द फ्रिक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट यानी डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है. तो सबको पता है जीरो होती है क्योंकि एसी इज एन अल्टरनेटिंग करंट ऑलवेज चेंजिंग डायरेक्शन, हमेशा बदलता रहता है ये. डीसी जो होता है वो नेवर चेंज डायरेक्शन, इट गोज ओनली वन डायरेक्शन, इसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपके लिए दिया है. इसमें लिखा हुआ है कि एग्रोनॉमी इज अ प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग. क्या करता है ये? प्लांट्स एंड एनिमल्स को रेजिंग के लिए होता है या क्रॉप्स के लिए होता है या फिर एग्रीकल्चर या फिर फ्रूट प्लांट्स ओनली. तो आइए देखते हैं. एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर. ये एक ब्रांच होती है एग्रीकल्चर की जो डील करती है स्टडी ऑफ क्रॉप्स, जिसके अंतर्गत हम क्रॉप्स का अध्ययन करते हैं और सॉइल जिसमें वो ग्रो करते हैं प्लांट्स. जितने भी होते हैं एग्रोनॉमिस्ट वो डेवलप करते हैं मेथड्स को ताकि इम्प्रूवमेंट हो पाए सॉइल का और उसके द्वारा फूड फाइबर्स में बढ़ोतरी की जा सके फसलों की, क्रॉप्स की. तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख के बोलिएगा कि क्या है चारों में से. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.